वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष आईक्यू स्टडी। और आज का टॉपिक है हाउ टू डिफरेंशिएट द डबल डायमेंशनल फंक्शंस ऑफ एनी टर्म्स। तो हम देखते हैं जैसे कि कोई भी हमें टर्म दिया गया हो और उसकी पावर जो होती हैं वो टू प्रोडक्टिव होती हैं, लाइक एक्स की पावर जैसे ए स्क्वायर सेक एक्स हो जाती है, एक्स टू दी पावर हमारी हो जाती है ए स्क्वायर लॉग एक्स, या फिर कुछ ऐसी होती हैं जो पावर की भी पावर में होती हैं, लाइक वाइज एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर एन, e to the power x एंड e to the power x to the power log x। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स होते हैं, ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं डेरिवेटिव में जो कि हमें दिखते हैं और आगे चलकर हमें बेसिक में मिल भी जाते हैं। तो इनका आज हम सीखेंगे कि कैसे इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है, और इन्हीं के डेरिवेटिव का आज का टॉपिक है हमें निकालना। तो चलिए फिर देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है e to the power x, ना कि हम इसे कैसे रीड करेंगे e to the power e की पावर x, ये इस तरीके से दिया गया है। मान के चलिए जैसे कोई भी टर्म हमें दिया गया हो, वन टर्म और उसकी पावर एक टर्म हो और उसकी भी पावर एक टर्म हो, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया है, उसकी एक ही टर्म की टू पावर्स हैं, उसकी जो पावर है उस टर्म की उसकी भी पावर एक और है। e to the power x means e to the power e और उसकी भी पावर x है। तो यहाँ पे हम ऐसा ना समझ करके हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से समझेंगे कि e to the power जो कि जो दूसरा टर्म है वो पूरा आपका एक फंक्शन है। तो वही फंक्शन जो है उसको हम कुछ सपोज करेंगे और हमें प्रोडक्टिव फार्मूला जो कि टू प्रोडक्टिव फार्मूला हमें क्या बताया गया था पिछले वीडियो में, कई लिंक्स दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके उनको आप रीड करिए और वहाँ से देखिए उस वीडियो को। तो वहाँ पे बताया गया था कि द प्रोडक्टिव ऑफ dy/dt एंड dt/dx इक्वल्स टू द dy/dx, जो कि हमारा क्या होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिव मिलता है। तो वैसे ही हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हम क्या सपोज करते हैं इसको, y सपोज करते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, उस टर्म को क्या सपोज करना, y सपोज करना। और जैसा कि अभी हमने यहाँ पे क्या बताया, e टू दी पावर x को हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, t सपोज करेंगे। लाइक वाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, t सपोज करते हैं। चलिए थोड़ा सा अलग हटकर यहाँ पे क्या करेंगे, t सपोज करेंगे किसको, सिर्फ इतने को हम t सपोज करेंगे। अब यहाँ से हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे इस टर्म को हमने क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में नहीं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। जब यहाँ पे इस e की पावर x के प्लेस पे t यहाँ पे राइट डाउन करेंगे तब हम उसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x का डिफरेंशिएटिव मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, e टू दी पावर x ही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कई वीडियो में बताया गया है कि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ पे सेम एज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे ही हम राइट करेंगे। तो इसको क्या सपोज किया गया है, t सपोज किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम डिफरेंशिएट दिस फंक्शन With respect to x, नहीं with respect to t, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dy/dt find out करेंगे, तो क्या मिलेगा, dy/dt मिलेगा, और e to the power t का derivative हमें क्या मिलेगा, जैसे e to the power x का e to the power x होता है, देख रहे हैं x के respect में, वैसे यहाँ पे t के respect में e to the power t का क्या होगा, e to the power t ही होगा। अब हम क्या करते हैं, वही प्रोडक्टिव फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए तो यूज करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। dy/dx क्या होता है, dy/dt into dt/dx, जो कि आपका ये प्रोडक्टिव फॉर्मूला है, और यही हमारा आंसर होगा। dy/dt की वैल्यू आप यहाँ से देख रहे हैं, सॉरी dy/dt की वैल्यू यहाँ पे क्या है, e टू दी पावर t है। तो यहाँ पे e टू दी पावर t आपका हो गया, ये देखिए, और यहाँ पे dt/dx की वैल्यू यहाँ से रखेंगे क्या हो जाएगी, e की पावर x है। मीन्स हमारा जो dy/dx यहाँ पे फाइंड आउट होगा वो e की पावर t, t को क्या सपोज किया गया था, e टू दी पावर x, देन हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, e टू दी पावर x।
अगेन हम यहाँ पे राइट करेंगे e टू दी पावर x, तो हमारा आंसर क्या हुआ, e टू दी पावर x एंड मल्टीप्लाई हुआ e टू दी पावर x, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पर हम इसे रोक देंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर, जो कि पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके दूसरे क्वेश्चन में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, लेकिन यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है और तीसरा भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हम क्या करेंगे, सेम है, इसी रूल से हम क्या करेंगे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट करते हुए इसको राइट डाउन करते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। हम देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है e टू दी पावर x टू दी पावर m है, मींस e टू दी पावर x टू दी पावर m, ये आपका क्वेश्चन है, मींस इसकी पावर और इसकी पावर m, इसकी पावर x, इसकी पावर m है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एज हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को, किसको, इतने को हम क्या करेंगे, t सपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कुछ सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें, जो पहला हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि किसी भी टर्म को हम पहले क्या करते हैं, पहले हम उसको सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, y सपोज करते हैं। आफ्टर सपोजिंग y द फंक्शन हम क्या करते हैं, इसके पावर को t सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, t। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t सपोज करेंगे, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं इसको t, तो यहाँ से t हमारा हो गया x टू दी पावर m। अब हम यहाँ पे x देख रहे हैं, तो मीन्स क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव dt by dx, और dt by dx मीन्स इसका हम क्या करेंगे, x टू दी पावर m का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। x टू दी पावर m का क्या होगा, जैसे d by dx x टू दी पावर m का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1, तो वैसे ही x टू दी पावर m का डेरिवेटिव क्या होगा, एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव एम एक्स टू दी पावर एम माइनस वन, यही वैल्यू हमें यहाँ पर ऐड करनी है। बट अभी हमें एक स्टेप चलना है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर एम, इस फंक्शन को हमने क्या सपोज किया है, टी सपोज किया है, तो यहाँ पे हम टी सपोज कर लिए हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट फाइंड आउट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, d by dt मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर t। तो e की पावर x का, जैसे अभी हमने कहा था कि d by dx e की पावर x का e की पावर x होता है, मींस x के रिस्पेक्ट में उसका e की पावर x होता है, तो ऐसे ही t के रिस्पेक्ट में e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर t होगा। अब लास्ट जो कि हमारा बचता क्या है, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्टिव हमारा dy by dt मल्टीप्लाइड बाय dt by dx, ये फॉर्मूला में इसमें क्या करना है, राइट करना है और अप्लाई भी करना है। चलिए इसी फार्मूले में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को हम राइट डाउन करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारी फॉरवर्डेड टू, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है e की पावर t, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, एम एक्स टू दी पावर m माइनस वन है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई और ये आपका हो गया अगली लाइन में डी वाई बाई डी एक्स मीन्स आंसर। e की पावर t मीन्स क्या करेंगे, t की वैल्यू है x टू दी पावर m, जैसा कि हम यहाँ पे रख लिए हैं, और ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर, और अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्या है, a की पावर x टू दी पावर log x, आपका तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, बट क्या करेंगे, इसी लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन। चलिए फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, a टू दी पावर x टू दी पावर log x है, मींस वही चीज जैसा कि इन दोनों क्वेश्चन में हमने देखा था, वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए राइट डाउन कर लिया गया है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम t सपोज करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो हमारा था उसमें पहले हमें क्या किया गया था, पहले हमने किया था यहाँ पर सपोज, क्या सपोज किया गया था, पूरे फंक्शन को t सपोज किया गया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को t सपोज करते हैं, सॉरी यहाँ पे पूरे फंक्शन को t सपोज कर लिया गया, जिसकी भी पावर क्या है, ये log x है, ना कि x log x है, क्या है, a की पावर x की पावर log x है,
मीन्स ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर लॉग एक्स है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, इतने को, सिर्फ इतने को टी सपोज करेंगे। तो क्या किया जाएगा, कहीं और आप ऐसे ही राइट करेंगे, टी सपोज कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर लॉग एक्स को हमने सपोज कर लिया टी। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स टू दी पावर लॉग एक्स है, तो यहाँ पे x की पावर जब कोई नॉन वेरिएबल फंक्शन होती है तो हम उसका फॉर्मूला क्या करते हैं, x टू दी पावर n के डेरिवेटिव में फाइंड आउट करते हैं कि n x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि x की पावर जो है वो नॉन वेरिएबल नहीं है, ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मीन्स या तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, कोई फंक्शन हो बट वो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, अगेन उसमें लॉग टेक करते हैं, मीन्स लॉग लेते हैं। तो आफ्टर टेकिंग लॉग वी कैन सॉल्व दिस टर्म। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लॉग लेंगे, तो टेकिंग द लॉग, तो यहाँ पे लॉग लेने के बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लॉग टी इक्वल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू दी पावर लॉग एक्स। जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं ये किस फार्मूले में गया, ये आपका लॉग एक्स टू दी पावर एन के फार्मूले में गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा एन जो कि सामने आएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स आपका डबल हो गया, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लॉग टी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको टी के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग टी का पहले तो 1/t होगा, अगेन टी का करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉग एक्स, यहाँ पर बिलो, दो लॉग एक्स हो गए। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो भी प्रोडक्टिव है, मीन्स क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड पे क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मीन्स लॉग एक्स का वही चीज, और फर्स्ट फंक्शन भी यहाँ पर आपका क्या है, लॉग एक्स ही है, क्या है, लॉग एक्स ही है, फर्स्ट भी लॉग एक्स, सेकेंड भी लॉग एक्स, और प्लस यहाँ पे सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट भी वही लॉग एक्स है। और ये था आपका जो कि क्वेश्चन है, यहाँ से रख करते, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर dt/dx हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है, तो t को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, t आपका ऊपर जाएगा, नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, log x का यहाँ से डेरिवेटिव क्या होगा, log x का 1/x हो जाएगा, प्लस सेम एज यहाँ पे भी log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। तो चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसमें इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया dt/dx का, जो कि कुछ इस तरीके से है। अगर हम चाहें तो इस t की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम चाहें तो वही t की वैल्यू जब रखेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो रहने देते हैं, एक लाइन हमारी बच जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वल्स a की पावर, इसको किया गया था सपोज t, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ना कि x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर a की पावर t है। तो जैसे a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log बेस e a होता है, कुछ इस तरीके से a की पावर t का भी सिर्फ a की पावर t log बेस e a होगा। सिर्फ क्या यहाँ पे चेंज हुआ है, ये x के जगह पे t हो गया, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सब कुछ वही है जैसे कि पिछली वीडियो में इसका बताया गया था। तो चलिए देखते हैं dy/dx यहाँ से हमें क्या मिलता है। dy/dx आपका होगा dy/dt dt/dx, तो ये हमारा हो जाएगा आपकी बार आंसर। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को पुट अप करेंगे, तो dy/dx हमारा क्या यहाँ पे फाइंड आउट होगा, dy/dt की वैल्यू क्या है, a की पावर t log बेस e a मल्टीप्लाई dt/dx की वैल्यू आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे है t और अगेन log x, इन दोनों का क्या हो जाएगा, LCM, क्योंकि ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तुम क्या कर सकते हैं, log x प्लस log x और टोटल का अपॉन यहाँ पे x हो जाएगा। a की पावर t यहाँ पे देखिए आपका पहले ही राइट डाउन कर लेते हैं, a की पावर t है, log बेस e a है, और ये आपका t है, तो t हम क्या करेंगे, t की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर log x। चलिए x टू दी पावर log x यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या आपका मिला है, log x प्लस log x, तो log x प्लस log x क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ से log x प्लस log x, x प्लस x 2x, तो यहाँ पे आपका 2 log x हो जाएगा, और अपॉन में आपका x जो कि यहाँ पे बच गया। तो चाहे तो आप यहीं पे आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर रोक सकते हैं, नहीं तो अगर आप करना चाहें एक लाइन और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है जो कि डिनोमिनेटर में आप ऊपर जाएगी तो इसकी पावर से बढ़ेगी, मीन्स log x से बढ़ेगी, तो log x से बढ़ेगी, log x -1 हो जाएगा,
तो e की पावर t, चलिए एक लाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, a की पावर t क्या है, x log x, x की पावर log x है, x टू दी पावर log x है, और यहाँ पर log बेस e a, x टू दी पावर log x, और जैसा कि भी बताया हमने कि यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाएगा, नॉमिनेटर में माइनस 1 होगा, और जब इन दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, उनकी पावर ऐड होंगी, तो ऐड होगी और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपका जो कि 2 log x है, तो हम 2 क्या कर लेते हैं, 2 को सामने कर लेते हैं और log x को यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से राइट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख करके राइट डाउन कर लीजिए, ये आपका था जो कि तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो कि कुछ इस तरीके से है, a टू दी पावर x स्क्वायर sec x। तो ये चौथा क्वेश्चन जो हमारा है इन तीनों क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जो स्टेप बाय स्टेप जैसा कि हमने इसमें किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे। तो इसको राइट डाउन करिए और चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर जो कि लास्ट है। तो आपका चौथा क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरीके से है, a टू दी पावर x स्क्वायर sec x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम t सपोज करेंगे, जैसा कि तीसरे क्वेश्चन में दूसरे और पहले में भी वही हुआ था। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा क्या होगा, सबसे पहले पूरे फंक्शन को हम y सपोज करते हैं, और आफ्टर सपोजिंग दिस टर्म y देन वी टेक द लॉग, बट टेक करेंगे वहां पे लॉग जहां पे काम होगा, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसको टेक करेंगे t के फॉर्म में, मींस इसको सपोज करेंगे, आफ्टर सपोजिंग द डायमेंशन ऑफ एनी टर्म टू t, तो यहां पे t सपोज कर लेंगे और आगे क्या करते हैं, उसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मींस यहां पे हम t सपोज कर लिए, अब क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो dt / dx हम यहां पे देखते हैं क्या मिलेगा, फर्स्ट इनटू सेकंड से इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर sec x का फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव मींस इसका डेरिवेटिव, और प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, कुछ इस तरीके से। तो आगे क्या होगा, dt by dx जो कि हमारा क्या मिलेगा, x स्क्वायर इसका क्या होता है, sec x का होता है sec x इनटू tan x, और प्लस आगे आपका है x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि क्या होता है 2x होता है, x टू दी पावर n का क्या होता है, nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है क्या, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, dt by dx, dt by dx हमारा टोटल मिला है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, देखिए दोनों टर्म्स में है कि नहीं, x sec x यहाँ पे भी है, sec x यहाँ पे भी है, तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टर्म जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो यही हमारा यहाँ पे टारगेट है करना। तो इस दो में से एक तो बाहर आया, एक बचा, ये तो पूरा का पूरा निकल गया, बचा क्या, tan x यहाँ पे बचा है, क्या बचा, tan x बचा है, तो ये tan x आपका पूरा का पूरा इधर आ गया, और यहाँ पे ये भी बाहर, बचा आपका क्या 2, ये आपका dt by dx कुछ इस तरीके से हमारा निकला है। तो ये है आपका dt by dx, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने सपोज किया था t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर t, अब a की पावर t हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y का dy by dt, और a की पावर t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log बेस e a होता है, तो वैसे a की पावर t का क्या होगा, यहाँ पर t हो जाएगा बस, ठीक। अब हम क्या करते हैं, लास्ट लाइन हमारी dy by dx होती है, कौन सा फार्मूला अभी बताया गया था, dy by dt multiplied by dt by dx, तो ये है हमारा फार्मूला, और इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को, इनको और इनको राइट डाउन करेंगे, चलिए राइट करते हैं, dy by dt की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की पावर t log बेस e a और मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू है x sec x बाहर है और ब्रेकेट के अंदर है x tan x plus 2, तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि a की पावर t, t means क्या, x स्क्वायर sec x, तो x स्क्वायर और sec x जो कि क्या है, ये प्रोडक्टिव है, ना कि आप सोच रहे हैं कि x स्क्वायर की पावर sec, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है कुछ इस तरीके से है, और log base 2 e a, और यहाँ पे आपका है x
sec x और x tan x plus 2, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर। तो आज की इस वीडियो में जो कि 15 टू 20 मिनट्स की वीडियो है, आज हमने क्या किया है, सिर्फ कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जिनकी डायमेंशन, जिन फंक्शन की डायमेंशन क्या होती है, स्क्वायर में होती है, टू टर्म्स में आ जाती है, डबल डायमेंशनल फॉर्म में आ जाती है। तो आज हमने क्या सीखा है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट द डबल डायमेंशनल टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन। तो आज का वीडियो इसी पे डिपेंड था, आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे की जो कि थ्री प्रोडक्टिव डेरिवेटिव फॉर्मूला, हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से जाकर के वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। और बाकी जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जितने भी पार्ट इसमें बने हैं, सारी की सारी उसमें लिंक में दे दिए जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से अटैच होइए, वहाँ पर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड आफ्टरनून।